Hello students, welcome to my channel. In this video I am going to explain you the question based on AC fundamentals chapter, but this is waveform type question. See, here I have taken one question. यहाँ पे जो है ये ग्राफ आपको दिया हुआ, दैट इज वेवफॉर्म इज गिवन हियर एंड यू हैव टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ गिवन वेवफॉर्म. सी, यहाँ पे जो वेवफॉर्म है इट इज वी वर्सेस थीटा, दैट इज वोल्टेज वर्सेस थीटा. ओके, यहाँ पे आपको वीआरएमएस वैल्यू किसका आरएमएस वैल्यू किसका निकालना है, वी का, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वीआरएमएस. ओके, तो यहाँ पे वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा. सी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/π 0 to π v² θdθ. कभी भी याद रखना, यहाँ पे वेवफॉर्म में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने आता है और एक वी एवरेज, दैट इज एवरेज वैल्यू. ओके, तो कभी भी अगर वी आरएमएस होगा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ठीक है, एंड अगर वी एवरेज होगा तो उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता है. उसमें भी एक मैं सम आपको दिखाने वाली हूँ. यहाँ पे वी आरएमएस का पहले फॉर्मूला देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/π 0 to π. अच्छा, ये 1/π क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेवफॉर्म में अगर आप देखोगे तो वेवफॉर्म में जो है 0 to π तक हमारी वैल्यू गई है, बराबर, इसलिए वो क्या हो जाएगा 1/π, मतलब जो भी आपका वो एंड वैल्यू होगा दैट विल बी योर, वहाँ पे ये वैल्यू होगा 1/π एंड जो लिमिट है हमारा 0 to π है, राइट. तो 0 to π v² θdθ. ओके, अब यहाँ पे वेवफॉर्म में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो वेवफॉर्म यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये साइनसॉइडल है, फिर ये कांस्टेंट है, अगेन ये साइनसॉइडल. तो यहाँ पे थ्री फेज में आपका वेवफॉर्म है, तो तीनों के लिए आपका इक्वेशन अलग अलग होगा. देखो, जैसे यहाँ पे जब ये साइनसॉइडल है तो यहाँ पे वी का वैल्यू विल बी Vm sin θ. ओके, अब ये कांस्टेंट वैल्यू तो कितने पे कांस्टेंट है, 0.866 Vm, तो इस वाले फेज के लिए जो आपका वैल्यू होगा दैट विल बी 0.866 Vm, एंड अगेन फॉर द साइनसॉइडल नेचर योर इक्वेशन विल बी Vm sin θ. ओके, अच्छा, ये जो दिया है देखो, ये आपको फाइ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना वैल्यू है हमको नहीं बताया है, तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो सी, चेक हियर एट थीटा इज इक्वल टू फाइ, क्योंकि ये जो है हमारा एंगल थीटा है और यहाँ पे ये फाइ है, तो थीटा इज इक्वल टू फाइ. पहला तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया है, दैट इज़ वी इज इक्वल टू 0.866 Vm, बराबर, और दूसरा क्या है हमारा इक्वेशन फॉर साइनसॉइडल नेचर, वी इज इक्वल टू Vm sin θ. अब ये दोनों को आप इक्वल करोगे तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो Vm will get cancel and you'll get the value for sin phi is equal to 0.866. अब जो phi होगा, जैसे phi होगा वो क्या हो जाएगा आपका sin inverse of 0.866. अब आप कैलसी में इसको sin inverse find out करोगे तो you'll get the value for phi which is pi by 3, और आपका कैलसी will be in degree, हाँ, उसको radian में मत रखना, कि PT ना degree, तो you'll get phi का value as pi by 3. Okay, now look here, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ दिए, जैसे मैंने तीनों टर्म लिए ना, वी के तीन वैल्यूज़ होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका तीन फेज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन फेज़ होंगे ना, तो पहले वाले के लिए क्या होगा Vm sin θ, दूसरे वाले के लिए 0.866 Vm, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, देखो ये वैल्यू दिया है, एंड अगेन फॉर साइनसॉइडल इट इज़ वी इज इक्वल टू Vm sin θ. ओके, नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. सी हियर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि वी आर एम एस कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा. 1/π क्यों लेना है, बिकॉज हमारा जो एंड वैल्यू दैट इज 0 to π है, v² θdθ. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि देखो जो हमारा 0 to π है वो तीन पीरियड में है ना, दैट इज़ पहले क्या है 0 to π/3. अच्छा, ये पाई बाय थ्री वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, ये फाइव का वैल्यू पाई बाय थ्री. अब अगेन देखो एक बार ग्राफ में आप चेक कर लो कि पहला क्या है 0 to 5, तो 0 to 5 क्या आपका पाई बाय थ्री, तो 0 to π/3, सेकेंड लिमिट जाएगा π/3 to π/2, एंड थर्ड विल बी π/2 to π. आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया. अब यहाँ पे हम देखते हैं, सी हियर, ये वी आर एम एस में यहाँ पे जो है तीनों लिमिट आपको समझ में आया. अब फॉर्मूला जो है वी का हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट फेज आपका साइनसॉइडल था इसलिए Vm sin θ, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया. सेकेंड वाला तो कांस्टेंट था, 0.866 Vm पे कांस्टेंट था वो, इसलिए उसका वो वैल्यू लिया हमने, एंड अगेन फॉर द थर्ड वन दैट इज साइनसॉइडल इज Vm sin θ. आप इसको इंटीग्रेट करो. सी, साइन स्क्वायर थीटा को यू कैन नॉट इंटीग्रेट, क्योंकि हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें इसलिए हम Vm कांस्टेंट लेंगे, Vm स्क्वायर आपका बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेट ओनली साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर
थीटा को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर द ट्रिगो रेज टू द पावर, राइट। तो यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। फॉर इंटीग्रेशन यू कैन फॉलो माई वीडियोज, मैंने अपलोड किया है इंटीग्रेशन बेस्ड वीडियोज, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा, एंड कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 जा वो 4 हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करके, ये जो क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें हम अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार पाई बाय 3 सब्सटीट्यूट करो थीटा के प्लेस पे, बीच में माइनस देन लोअर लिमिट। ये भी आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद वी गॉट दिस वैल्यू, एंड इसका स्क्वायर रूट लिया तो वी आर गेटिंग 0.687, एंड वी एम्स का स्क्वायर रूट इज वी एम। ओके, आई होप कि आपको ये सम समझ में आए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अगेन दिस इज वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो वेव फॉर्म है ये पीरियोडिक है, राइट। वहाँ पे वो साइनसॉइडल था, बीच में कांस्टेंट था, वो पीरियोडिक नहीं था। यहाँ पे जो वेव फॉर्म है ये आपके पीरियोडिक है, देखो जैसे 0 to 1, 1 to 2 है ना। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है एवरेज वैल्यू। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये वाले टाइप में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू। तो वी एवरेज हम, क्योंकि ये भी अगेन वोल्टेज वर्सेस टाइम है, तो अगेन हमको यहाँ पे फाइंड करना है वी एवरेज। तो वी एवरेज का फॉर्मूला इज 1/T 0 to T, राइट, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं ना, तो 1/T 0 to T वी ऑफ टी डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पे हम एक एक पीरियड का लेंगे, तो एक क्योंकि ये पीरियडिक है ना, तो ये एक एक पीरियड का लेंगे, तो यहाँ पे कितना है 4V, राइट। तो वी का वैल्यू क्या हो गया आपका 4T। तो यहाँ पे एक एक का तो 1/1 टाइम पीरियड इज 1 का इंटरवल है ना, एक एक का इंटरवल लेंगे तो 1 एंड अगेन 0 to 1 4T dt। इसको आप इंटीग्रेट करो, t का इंटीग्रेशन इज T² / 2, 4 को बाहर ले लो, लाइक दिस इंटीग्रेटेड एंड यू विल गेट द वैल्यू एज अ 2 वोल्ट। ओके।